हाय फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन प्रॉपर्टी वाला में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। यह आप देख रहे हो कातरज तालाब से होकर यह रास्ता जाता है। ये प्रॉपर्टी आज जो हम देखने जा रहे हैं कातरज तालाब से बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर है और ये बंगलो है पूरा। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये कातरज तालाब की ओर से आने वाला रास्ता है, और ये जो दूसरा रास्ता आप सामने देख रहे हो ये बंगलों की तरफ जाने वाला रास्ता है जो प्रॉपर्टी आज हम देखने आए हैं। और ये रास्ता कातरज तालाब से होकर सीधा आगे जाता है, और आगे से जो वो स्कूटी लेफ्ट ले रही है तो उधर से भी हमारे इस बंगलों को एक गेट है। और इस ये प्रॉपर्टी लेन नंबर 7 में 15B जो कि कातरज में माउली नगर में उत्कर्ष सोसाइटी में आता है। ये बहुत ही रेसिडेंशियल के लिए बहुत ही बढ़िया स्पेस है, बहुत ही बढ़िया एरिया है आपको रहने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपको पुणे के पास एक बहुत ही अच्छा घर चाहिए रहने के लिए और आप अगर घर ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने फाइनल नहीं किया हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये घर लेना है तो अभी तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और एक बार विज़िट कीजिए और देखिए पूरा। यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए भी बहुत स्पेस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपको पूरा पार्किंग के लिए, और यहाँ पर एक वॉचमैन का केबिन भी और वॉचमैन के लिए रहने के लिए एक रूम बनाया हुआ है, और उसी को वहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम भी है स्पेशल वॉचमैन के लिए। यहाँ पर आपका वॉचमैन या फिर आपका ड्राइवर वगैरह कोई भी हो वो रह सकता है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। और ऊपर 4 फ्लोर है, जहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर में 2 BHK है, और उसके ऊपर फोर्थ फ्लोर पर 1 BHK है जहां पर आपको एक बेडरूम दिया जा रहा है। और उसके आगे आपको यूज़ करने के लिए मतलब आप बोल सकते हो कि पार्टी वार्टी करने के लिए आपको वहां पर हॉल दिया जा रहा है, वो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, कहीं पर भी मत जाइए, लास्ट तक बने रहिए। और ये सामने आप देख रहे हो पेट्रा एनक्लेव की बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, और ये हमारे घर का दूसरा गेट है जो कि दोनों साइड से हमारे घर को गेट है। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस गेट से हमने एंट्री की थी वो उधर की साइड में है, और ये इधर का साइड का दूसरा गेट है। तो इस घर को दोनों साइड से एंट्री है, और पार्किंग भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप चाहो तो आपके घर के बाहर भी 4-व्हीलर पार्क कर सकते हो, इनकेस आपके पास ज़्यादा व्हीकल्स हो, अंदर पार्किंग नहीं हो रहे तो आपको बाहर भी पार्किंग है, घर के साइड में बाहर भी पार्क कर सकते हो, और अंदर भी आपको पार्किंग की कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर। यहाँ पर आपको 24/7 वाटर अवेलेबल है, पुणे म्यूनसिपलिटी का भी वाटर कनेक्शन है यहाँ पर, और वाटर कनेक्शन जो है उसका प्रेशर इतना है कि आपको मोटर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका पानी डायरेक्टली आपके ऊपर के टैंक में जाता है विदाउट इलेक्ट्रिक मोटर। तो और यहाँ पर बोरवेल भी लिया हुआ है, इनकेस एमरजेंसी में आपको अगर पानी की कुछ दिक्कत आती है तो आप बोरवेल के पानी का यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है यहाँ पर। मैं आपको उसके मीटर्स भी दिखाता हूँ, और हर एक फ्लोर के लिए यहाँ पर सेपरेट मीटर्स लगाए हुए हैं, इनकेस आप अगर रेंट पे देना चाहते हो तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रिक मीटर्स की। एक फ्लोर पर आप रहो, बाकी फ्लोर पर आप रेंट में भी दे सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं ऊपर। अभी देखिए ओरिजिनल फ्लैट्स, सैंपल नहीं है ये, एक्चुअली ओरिजिनल ही देख रहे हैं हम, जो सेल करना है यही सेल के लिए है, सेम बंगलो जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे आपको 2 BHK मिलने वाले हैं, और फोर्थ फ्लोर पे आपको 1 BHK मिलने वाला है, और हर एक फ्लोर पे आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आपको दो दो टॉयलेट एंड बाथरूम अटैच मिलने वाले हैं, वेल डिज़ाइन किए हुए, और फोर्थ फ्लोर पे आपको एक टॉयलेट एंड बाथरूम अटैच मिलने वाला है, और नीचे वॉचमैन का जो रूम है वहाँ पर है के ऐसे टोटल आपको 8 बाथरूम एंड टॉयलेट्स मिलने वाले हैं इसमें। और आपको अगर बेडरूम की बात करें तो वॉचमैन का रूम पकड़ के आपको टोटल 8 बेडरूम्स मिलने वाले हैं, और आपको 4 हॉल, पार्किंग का एरिया। तो ये बहुत ही बढ़िया है रेजिडेंशियल पर्पज़ रहने के लिए। आप खुद रहना चाहते हो, बड़ी फैमिली है आपकी, तो आपके लिए तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है।
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे है तो आप लेकर रेंट पे भी दे सकते हो, क्योंकि स्पॉट भी बहुत अच्छा है ये, और पूरा डेवलप हुआ ये एरिया है ये। अगर इस प्लॉट के एरिया की बात करें तो ये 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट का एरिया है, और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 5350 स्क्वायर फीट इसका कंस्ट्रक्शन है, और इसका प्रीमियम ऑलरेडी पेड किया हुआ है पीएमसी को। और अगर पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर आपको नीचे पार्किंग है, टोटल कंस्ट्रक्शन पार्किंग प्लस 4 कंस्ट्रक्शन, यानी आप इसे फिफ्थ भी बोल सकते हो टोटल। और हेवी फाउंडेशन है बहुत ही, क्योंकि इसके जो ओनर है वो सिविल इंजीनियर ही है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और बहुत ही क्वालिटी मटेरियल्स यूज किया हुआ है इसको। एक्चुअली उन्होंने ये घर खुद के लिए बनाया हुआ था, लेकिन अभी किसी उनके प्रॉब्लम की वजह से अभी वो सेल कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपको इतना अच्छा वेल कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन घर आपको दूसरा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है कातरज के एरिया में, तो क्योंकि उन्होंने खुद के लिए बनाया हुआ है तो सोचिए कि उन्होंने कितना ख्याल रखा होगा हर एक चीज़ का, क्योंकि उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो बहुत ही क्वालिटी का मटेरियल हर एक जगह पर यूज़ किया हुआ है। और इसके फाउंडेशन में एडिशनल 5th फ्लोर का लोड कंसिडर किया हुआ है ऑलरेडी। इसके पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए रिवर का सैंड यूज़ किया हुआ है, और सोलर सिस्टम भी ऑलरेडी इंस्टॉल है पूरे बंगलों के लिए, और ख़ास करके इसके सभी बेडरूम्स के लिए फ्रेंच डोर का यूज़ किया गया है, और जो लिविंग रूम है उसको डबल डोर लगाए हुए हैं। और इम्पोर्टेड टाइल्स यूज़ किए हैं फ्लोरिंग एंड डैडो के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बालकनी में मार्बल यूज़ किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इस बंगलों के दोनों साइड से रोड है, और जहाँ से एक साइड डीपी रोड है वहाँ पर आपको कमर्शियल अलाउड है। फ्यूचर में अगर आप चाहो तो वहाँ पर कमर्शियल शॉप्स भी बना सकते हो, और एक साइड में सोसाइटी का इंटरनल रोड है। और अगर ये पूरे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके टोटल कंस्ट्रक्शन में नियर अबाउट 250 इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो आपको बेडरूम हो गया, किचन हो गया, या फिर हॉल लिविंग में, तो आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक स्विचेस की या इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर 250 प्लस इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑलरेडी इंस्टॉल है। और जैसे कि आप बालकनी का व्यू देख रहे हो बेडरूम का, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ग्रीन व्यू है। वेंटिलेशन की बात करें तो एक भी बेडरूम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, पूरे बंगलों में और पूरे के पूरे बेडरूम में भी पूरा का पूरा वेंटिलेशन है। तो आपको खुली हवा, ताज़ी हवा यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि सामने आप देख रहे हो कितना ग्रीन ग्रीन है सब, बहुत ही बढ़िया है। और इसके अगर हॉल की बात करें तो इतना बढ़िया हॉल है और इतना बड़ा हॉल है कि इसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप इसमें सोफ़ा हो गया आपका, टीवी, या फिर आप बोल सकते हो कि डाइनिंग के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि हॉल और किचन अटैच होने की वजह से यहाँ पर आप डाइनिंग भी लगा सकते हो, तो ये बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। चलिए अभी मैं आपको एक दूसरा 2BHK दिखाता हूँ, जो कि इससे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है उसका, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके स्टेयर्स के लिए भी पूरा मार्बल यूज किया हुआ है, ये बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। और ये आप डोर देख रहे हो, डबल डोर है। अभी जो आप ये देख रहे हो ये 4th फ्लोर है, जहाँ पर 1BHK है, जहाँ पर एक बेडरूम है आपको। और ये जो हॉल है इसका, ये बहुत ही बढ़िया है आपको पार्टी वार्टी करने के लिए, या फिर अगर आप ऑफिस के लिए यूज़ करते हो तो फिर भी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी PUP किया हुआ है। और ये ऊपर से आप व्यू देख सकते हो, ये जो मेन
दोनों साइड से मेन रोड है, एक सोसाइटी रोड है और एक डीपी रोड है, और ये आप इसका बालकनी व्यू देख सकते हो। हॉल को टेरेस अटैच है ऊपर के इस फ्लोर में। ये सामने का जो रास्ता देख रहे हो आप, ये राइट साइड में इधर कात्रज तालाब की ओर जाता है, और यहाँ से कात्रज कोंडवा रोड भी बहुत ही नज़दीक है। और ये जो आप देख रहे हो बालकनी हॉल की, हॉल का टेरेस है ये, और इधर की साइड में आपको ये बाथरूम देखने को मिलेगा। यहाँ पर बाथरूम और टॉयलेट जो स्पेशली ऊपर के फ्लोर के लिए है, और बहुत ही वेल डिज़ाइन किया हुआ है टॉयलेट एंड बाथरूम, बहुत ही अट्रैक्टिव। और ये आगे टेरेस है जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। कात्रज का जो जैन टेम्पल है वो यहाँ से इजीली दिख जाता है। और ये मेन रोड आप देख रहे हो, ये सामने कात्रज घाट, और इधर ये आप देख रहे हो जैन टेम्पल। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अभी, ये आप देख सकते हो जैन टेम्पल। तो सोचो कि ये कात्रज से कितना नज़दीक होगा। और ये जो बड़ा वाला पोल दिख रहा है ये कात्रज तालाब में है, वो वाला पोल है वो, तो यहाँ से कात्रज तालाब भी बहुत ही नज़दीक है। आप वॉकिंग के लिए सुबह या शाम टहलने के लिए वहाँ पर जा सकते हो कात्रज तालाब के पास। और अगर इस बंगलो के प्राइस की बात करें तो इसके ओनर ने इसकी ऑफ़र प्राइस रखी हुई है 3.6 crore। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और तुरंत विज़िट कीजिए और अपनी डील फाइनल कीजिए। और हाँ, ये निगोशिएबल प्राइस है, पहले आपको कॉल करके देखना है, विज़िट करना है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इस प्रॉपर्टी में तो ज़रूर आपको डील करके दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाना ज़रूरी है। और ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको देखने को मिले। और आपके दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस शेयर भी कीजिए ताकि हमारा ये चैनल, आपके दोस्तों को भी ये वीडियोस देखने को मिले और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपकी जो राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही हम काम करेंगे और हमारी गलतियाँ सुधारेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, सबसे ऊपर का जो मैंने आपको हॉल बताया था जिसका POP किया हुआ है, पूरा फर्निश है ये, आपको पार्टी हॉल या फिर आप ऑफिस के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। चलो मैं आपको अभी टेरेस का व्यू दिखा देता हूँ सबसे ऊपर से, यहाँ से टेरेस कैसे दिखता है कि आप देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से। और ये पूरी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है, कितना भी बड़ा भूकंप आएगा फिर भी इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होने वाला है, इसका डिज़ाइन ही इतना अच्छा किया गया है।